हेलो गुड इवनिंग एवरीवन स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हाल चाल है काफी दिनों से आप सबका इंतजार था हालांकि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सही बात है बच्चों केमिस्ट्री में आपके डिमांड पर हमने टॉप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी फाइव फिजिकल केमिस्ट्री के सारे आपको क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रखे थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का अब एक बार उसका वीडियो आएगा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा और एक बार आएगा जो ऑर्गेनिक का होगा भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी फिजिकल केमिस्ट्री का बता दिया गया है आज बारी है ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री सॉरी ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार पूछे गए तो देखो बच्चों आप तैयारी कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है तैयारी करते रहना है एकदम एक, एक सीरीज में तैयारी करते रहना है सीरियल वाइज आपको पढ़ाई करते रहना है और एक चीज ध्यान रखना है मैं इसलिए ये सेशन आपको दे रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन पे आप ज्यादा फोकस करना अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब जी हाँ मैं ओपनली बोल दिया अगर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी क्वेश्चन पर फोकस करना है इसके अलावा एक बात मैं ये कहूंगा कि आज जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं इस पर कुछ ज्यादा ही फोकस करना होगा मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ इसी पे फोकस करो ऐसा नहीं है आप बाकी चीजों को जिस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहना है केमिस्ट्री पढ़ रहे हो पढ़ते रहना है मैथ पढ़ रहे हो पढ़ते रहना सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई एकदम कंटिन्यूसली होनी चाहिए लेकिन आज जो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन पच्चीस क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो कई बार ऐसा देखा गया कि एग्जाम में इनकी मतलब पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है और पूछा भी है तो आइए हाँ आज के सेशन में इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हालांकि ये सारा क्वेश्चन आपको जयसर फिजिक्स में करवा चुके होंगे लेकिन आज मैं उसी चीज का एक छोटा सा आपको मतलब एक कलेक्शन दे दूंगा ताकि आपको इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों मीडियम के बच्चों को एक छोटा सा वन शॉट मिल जाएगा और वो अपना कर लेंगे हालांकि आपको बस देखते ही ये सब समझ आ जाएगा कि हाँ ये ये क्वेश्चन है फोकस क्वेश्चन पे करना है फोकस कहां पे करना है बच्चों क्वेश्चन पे करना है कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं आप सभी कोई प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं एक चीज और कह दू कि कल कल 29 तारीख रात 8 बजे से या बजे या साढ़े आठ बजे इसी रेंज में एंड का वन क्लास होगी जिसमें अल्कोहल फिनॉल और केमिस्ट्री की सारी क्लासेज वन शॉर्ट होगी कोशिश हमारा यही है फिजिक्स की भी क्लासेज वन शॉर्ट होगी कोशिश हमारा यही है ताकि आप लोगों को अब एक वीडियो में सब कुछ क्लियर दिखे आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पर यह क्वेश्चन दिख रहा होगा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सवाल है स्टार्टिंग से उठाए गए हैं बहुत ही छोटे सवाल होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए छोटा खाओ काफी दर्द देता है इसलिए भाई इस पे फोकस जरूर करना होगा पहला आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत <laughs> आप एक वर्ड पे फोकस करो संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हो रही है इसका मतलब क्या होता है संरक्षित रहना यानी कि बदलना नहीं चाहिए बदलना नहीं होना बदलना नहीं चाहिए अर्थात ना तो ये नष्ट होता है नहीं इसका निर्माण होता है बस इतना समझिएगा जैसे आवेश संरक्षण होता है ऊर्जा संरक्षण होता है उसी प्रकार से यहाँ पर आवेश की बात की जा रही है किसी भी विलगित निकाय के भीतर का जितना भी आवेश होता है वो कांस्टेंट रहता है स्थिर रहता है बदलता नहीं है हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि आवेश का भैया न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है इसी इसी बात को इसी को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल यहाँ पे अंग्रेजी में देख रहे हैं वाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आप देख सकते हैं कि द टोटल चार्ज इन साइड एंड आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एक किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज होगा वो टोटली totally वेरिएबल नहीं होता है कांस्टेंट होता है दैट इज चार्ज कैन ना तो भैया हम इसे बना सकते हैं और ना ही इसे मिटा सकते हैं इसी को बच्चों कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आवेश का मौलिक गुण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश का मौलिक गुण क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो दो बातें आपको याद रखना होता है कि आवेश तो संरक्षित होता है यानी कि ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है आवेश योगात्मक होता है एडिटिव होता है यानी कि हम जोड़ सकते हैं दो दो चार्ज 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 प्लस में तो टोटल टो ये हम कर सकते हैं यानी कि राइट टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज सब कोई अंत तक देखना बड़ी कमाल का वीडियो जाने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इंग्लिश वाले स्टूडेंट और हिंदी मीडियम वाले दोनों तो भाई आपको पता होना चाहिए कि चार्स कंजर्ब होता है कंजर्ब का मतलब क्या हुआ कि भैया ना तो वो निर्माण होगा नहीं वो नष्ट होगा जैसे है वैसे पड़ा रहेगा एकदम कॉन्स्टेंट वेरिएबल नहीं है बदलने वाला नहीं है ठीक है अब इसका एक गुण ये रहा दूसरा गुण आप ये बता सकते हैं कि ये योगात्मक होता है योगात्मक योग का मतलब जोड़ एडिटिव होता है यानी कि आप इसे जोड़ कर सकते हो बिल्कुल ये दूसरा क्वेश्चन हुआ ये एकदम इंपॉर्टेंट है और आप देखना तो ये पता चलेगा ये पूछा हुआ है एक सवाल ये बनता है बच्चों क्वांटमीकरण का कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि एक चीज समझना आवेश भैया दशमलव में और बट्टा में नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का गो इलेक्ट्रॉन और पौने तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल में होता है मैं ये कह सकता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन दस इलेक्ट्रॉन यानी एक नंबर के साथ इसका गुना होता है एन ई -E कह सकते हैं इन सारी बातों को इसी को बच्चों कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण क्यू बराबर हो जाता है एन ई -E. एन ई अब वो चार्ज पॉजिटिव दोनों वैल्यू दे सकता है प्लस माइनस एन ई भी आप कर सकते हैं e क्या हो गया बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि एक दसमलव छुना दस के पावर माइनस उन्नीस परिमाण में वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है चार्जेटिव में हो जाता है एन फोर नंबर कितना नंबर है है ना अब बिस्किट जाओ दुकान से लाओ साढ़े तीन गो बिस्किट का पैकेट लाओगे नहीं ला सकते हो सारा पांच पैकेट मिलेगा नहीं मिल सकता है हमेशा ये एक नंबर की तरह होगा और वो नंबर हमेशा पूर्ण गुणस होना चाहिए यानी कहा जा रहा है बच्चों सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई आवेश की मूल इकाई की बात हो गया का e का पूर्ण का मतलब गुना, पूर्ण मतलब यानी कि नंबर इंटीजर मल्टीपल हो जाएगा इसी फॉर्म को बच्चों कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण ऑल फ्री चार्ज इज एन एब्सोल्यूट मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होते हैं सब इसी को बच्चों कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू बराबर एन ई क्यू बराबर एन ई ठीक है अगली बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुलाम का नियम आप सब कोई समझिएगा एकदम जरूरी चीज है एकदम जरूरी चीज है बच्चों कुलाम का नियम क्या है डॉक्टर सीए कुम ने विद्युत बल के संबंध में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड उन्होंने एक कुछ नियम दिया था दो नियम दिया था जैसे गुरुत्वाकर्षण के संबंध में न्यूटन ने नियम दिया था उसी प्रकार से बच्चों यहां पर हम बात करते हैं यहां पर कुलम का नियम जिन्होंने कुलम साहब ने दिया था इनका कहना था कि अगर दो चार्ज है दो चार्ज कुछ दूरी पर रखे गए सपोज दैट ये आर दूरी पर रखा गया और ये हमारा Q1 हो गया और ये Q2 भैया आवेश को Q से डिनोट करते हैं चार्ज है ना तो ये Q1 पहली वस्तु का चार्ज Q1 दूसरी वस्तु का चार्ज Q2 अब ये कहा उन्होंने कि जो दोनों का बल लगेगा दोनों के बीच का बल लगेगा वो बल समानुपाती होता है इन आवेशों के गुणनफल का पहला नियम उनका यही था Q1 into Q2. दोनों आवेश को गुना कर दो तो ये जो राशि मिलती है आपको वैल्यू मिलता है उसके समानुपाती होता है इसके बीच लगने वाला बल यानी उनका ये था कि विद्युत बल के संबंध में गुलाम ने दो नियम दिया था अंत तक देखिएगा आज का सेशन दो आवेशों के बीच की दूरी यदि स्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल बल दोनों हो सकता है आकर्षण भी, भी हो सकता है और विकर्षण भी हो सकता है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स या फिर रिपल्सन फोर्स दोनों हो सकता है ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज कैसा है दोनों सजातीय होगा तो विकर्षण बल लगेगा और बी जातीय होगा यानी कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो आकर्षण बल होगा यानी लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बच्चों समानुपाती होता है फोकस कीजिए यहां पर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती ये पहला नियम रहा दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इसका बीच का दूरी होता है ना लगने वाला जो बल होता है एफ, दूरी के वर्ग के ब्यूत्कर्म के अनुपाती दूरी के वर्ग के ब्यूत्कर्म व्यूत्कर्म का मतलब वन बाई हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड लॉ और दोनों का समानुपाती का जोड़ कर दीजिए आपका निकल जाता है एफ समानुपाती Q1, Q2 by या फिर एफ बराबर के Q1 क्यू टू बाई आर स्क्वायर और इसी के का वैल्यू निकलता है बच्चों अगर अगर मैं अगर बात तो हैं नौ गुना दस के पावर नौ ये दोनों नियम बिल्कुल बच्चों याद रखना होता है अंग्रेजी मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट है वो यहां पर देख सकते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज कॉन्स्टेंट स्थिर है बदलाता नहीं हो अगर रख दिया गया कि हाँ दस सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर या कितनी भी दूरी पर हो आर सेंटीमीटर दूरी पर अगर रख दिया जाए देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वो चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स हो वो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर देखिएगा क्या होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस

या तो रैखिक रूप से हो जाएंगे या सतही रूप से हो जाएंगे या आयतन के रूप से हो जाएंगे अगर सिंपल सा मीनिंग प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसको लेमडा कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उसको सिग्मा कहते हैं समझिएगा चीजें क्लियर हो रही है या नहीं यह नो बताएंगे पहले एक बार सब कोई बता दो पहले एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि ये चीजें समझ आ रही है नहीं तब मैं आगे बढ़ता हूं प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा उसको लैम्डा कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा बच्चों उसको सिग्मा कहेंगे और प्रति एकांक आयतन में वॉल्यूम पर जो आवेश होगा बच्चों उसको हम कहते हैं रो रो कहते हैं अब ये क्या हुआ सर प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होगा बच्चों उसको कहते हैं रैखिक घनत्व आवेश का रैखिक घनत्व जैसे ये आपके पास अगर चालक है यहाँ पर लंबाई हो गया ना ये आवेश पड़ा हुआ है तो टोटल चार्ज बटा में इसकी लंबाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रैखिक घनत्व रैखिक घनत्व एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश है वो अगर हम अनुपात निकाल देते हैं वो हमारा रैखिक घनत्व नहीं कहलाएगा वो पृष्ठीय घनत्व का बच्चों आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से डिनोटेड करते हैं और रैखिक घनत्व को लैम्डा से सूचित करते हैं और अगर हम आयतन की बात कर लेते हैं प्रति एकांक आयतन में जितना आवेश होगा आयतन में उसको हम रो अर्थात आयतन घनत्व कह लेते हैं आवेश का तीन घनत्व आप पढ़ रहे हैं एक रैखिक घनत्व एक क्षेत्रफल यानी कि सतह वाला यानी कि पृष्ठीय घनत्व और एक आयतन घनत्व आप देख सकते हैं आवेश का रैखिक घनत्व एक पृष्ठ घनत्व और एक आयतन घनत्व होता है तो ये हमारा बच्चों कहा लाएगा रैखिक घनत्व रेखा रेखा मतलब एक लाइन लंबाई समझ लो डायरेक्ट प्रति एकांक लंबाई पर और एक पृष्ठ का मतलब समझ जाना सतह सतह का सीधा संबंध क्षेत्रफल से एरिया से हो गया तो प्रति एकांक एरिया वाला यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर देख लो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश जितना होगा उसको तो रैखिक घनत्व नहीं है ये हमारा बच्चों कहलाएगा पृष्ठ घनत्व सॉरी यहाँ पर कॉपी पेस्ट का दिक्कत है और यहाँ पर प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसको हम लोग कहते हैं घनत्व चीजें क्लियर हो गई होगी ठीक है यहां से आप यूनिट भी निकाल लेना इसका यूनिट आ जाता है प्रति मीटर हाँ, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है यूनिट ज्यादा पूछेगा आवेश रैखिक घनत्व का मात्र क्या होगा पृष्ठ घनत्व का क्या होगा तो यहाँ पर आवेश कुलम एरिया मीटर स्क्वायर यहाँ पर कुलम और ये मीटर क्यूब ठीक है चीजें ये तीन चीजें क्लियर हो गई हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे देख लेंगे आयतन घनत्व यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र जरूर पूछता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछता है इससे कहां भाग सकते हैं आप कहीं नहीं भागना है विद्युत क्षेत्र विद्युत तो का क्षेत्र रंगबाजों का क्षेत्र मतलब उस एरिया में जाओगे तो रंगबाजी होगा कोई होगा ना एक डॉन होगा उसका भी अप, अपना एक एरिया होता है और हर अपने एरिया में कोई ना कोई डॉन जरूर होता है पृथ्वी का भी अपना एरिया होता है ना कि ये एक निश्चित ऊंचाई तक की वस्तुओं तो को अपनी ओर खींच सकती है रंगबाजी करती है पृथ्वी भी बच्चों हमारे आसपास का वैसा क्षेत्र हमारे आसपास का ही होता है वो सारा क्षेत्र लेकिन हम अपने हम अपने आसपास का विशेष न कह करके विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो एक आवेश टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव ले लेते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जिस क्षेत्र में रंगबाजी होगी यानी कि ये अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा चाहे वो बल आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो तो मान लो कि हम कोई चार्ज लेकर के आ रहे हैं यहां से देख रहे हैं तो कोई अनुभव नहीं यहाँ अनुभव नहीं है यहाँ से होने लगा तो यहां से हम गोलाकार ऐसे ले लेते हैं तो यहां तक का जितना भी ये क्षेत्र है ना ये इसका विद्युत क्षेत्र का अला गया यानी कि इतना दूर तक में ये विद्युत बल का अनुभव कर रहा है इसको बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है कितना कमजोर है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यहां पर लाइन हम लोग अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अच्छा खासा है तो ये लाइन से हम लोग दिखाते हैं इस रेखा से दिखाते हैं अगर रेखा घनत्व तो ज्यादा है ना समझ जाना घनत्व तो ज्यादा है तो समझ जाना ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है नहीं तो वीक होगा यहां पर आप देख रहे होंगे ये आसपास का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वो बल का अनुभव करता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई भी अन्य आवेश दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं और देखो बच्चों इस परीक्षण इस आवेश पर लगने वाला बल इस परीक्षण आवेश पर इस परीक्षण आवेश क्यू पर टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है जो अनुभव कर रहा है ये बल का वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर जो आवेश था वो आवेश जितना बल का अनुभव करेगा जितना क्षेत्र में करेगा वो तो विद्युत क्षेत्र हो गया लेकिन उस क्षेत्र में कितना बल का अनुभव कर रहा है पांच न्यूटन का दस न्यूटन कितना बल का वो अनुभव कर रहा है वो अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इंटेंसिटी जिसे हम ई e से सूचित करते हैं E बराबर बटा में सदिश सदिश राशि राशि और ये भी हो जाता है इसका यूनिट निकाल लेना न्यूटन प्रति कुल्ब आ जाता है और E बराबर आप पढ़े होंगे विभव प्रवणता में माइनस डी भी बट्टा डी एक्स भी होता है अगर यहां से आप इसका मात्रक निकाले तो वोल्ट प्रति मीटर भी आ जाता है तो बच्चों यहां से दो क्वेश्चन सीखने को जरूर मिला होगा आपको सबसे पहला क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदिश राशि होती है विद्युत क्षेत्र क्या है वो आप समझ गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो आप समझ गए और इसका यूनिट क्या होता है सबसे बड़ा खतरनाक सवाल ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों कि इसका यूनिट क्या होता है मात्रक तो मात्रक में हम कहेंगे न्यूटन प्रतिकूलम यहां से बल का मात्रक न्यूटन चार्ज का मात्रक कुलम तो न्यूटन प्रति कुलम हो गया और ये डी भी बटा डी एक्स डी भी क्या है डी भी वोल्टेज वाला है विभव है पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर वोल्ट बटा में एक्स दूरी है तो ये मीटर वोल्ट प्रति मीटर भी होता है तो ध्यान रखिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दो मात्रक बिल्कुल अब देखिए इसी बात को इंग्लिश में अगर आप समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती है ऐसा एरिया जो जो एक चार्ज चार्ज के अराउंड में हो और होगा वो एक्सपीरियंस करेगा करेगा फील अपने ऊपर या तो अट्रैक्शन फोर्स का या रिपल्सन फोर्स का उसको हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और वो कितना फोर्स फील कर रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है अपने ऊपर वो अगर निकालते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि के अंदर एक चार्ज अपने ऊपर कितना force experience कर रहा है, अनुभव कर रहा है उसको बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर एफ बाई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है the of electric field intensity is newton और वोल्ट पर मीटर. विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है बच्चों विद्युत क्षेत्र की रेखा ये रेखा किसी भी आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है कब जब हम इसकी इससे संबंधित इससे टच करके एक कोई टैंजेंट लाइन हम अगर ड्रॉ करते हैं

कब जब हम इससे संपर्क करके एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तब वैसे सिंपली जब एक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है तो उस पर बल लगेगा और जिस साइड बल लगेगा वो उधर चलेगा तो वो जिस पथ पर चलता है अनुसरण करता है वही लाइन को बच्चों उसी चीज को वही पथ को हम लोग एक रेखा के माध्यम से दिखाते हैं जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी सघन होगी समझिएगा विद्युत क्षेत्र उतना ही मजबूत है विद्युत क्षेत्र सघन नहीं है विरल हो तो समझिएगा विद्युत क्षेत्र उतना ही वीक है यहां पर आप देख सकते हैं और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती ये जबरदस्त सवाल है इस इसमें मैं अभी भी मतलब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं फिर भी कहूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है ऐसा क्यों होगा जैसे मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जैसे ऐसे ना अगर ये दूसरे को एक दूसरे को काट रही है सपोज दैट काटती मान ले कि का हमने काट दी तो काटने से क्या होगा ये स्पर्श रेखा बताएगी ना जैसे ऐसे नहीं हम मान लो कि आ, कुछ इस तरीके से है और फिर एक इस तरीके से है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है विद्युत क्षेत्र रेखा है अगर ये एक दूसरे को काटती है तो क्या होगा काटे की तो यहां पर एक स्पर्श रेखा बना है, एक यहां पर स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखा है एक आवेश पर दो दो दिशाओं में बल कभी संभव है क्या नहीं है बच्चों एक कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखा कभी संभव नहीं है विद्युत क्षेत्र रेखा इसीलिए इसी, इसी वजह से एक दूसरे को कभी काटती नहीं है कभी नहीं काटती है कभी नहीं काटती है देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा ए, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों क्योंकि यदि एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर दोनों वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखा दो विद्युत क्षेत्र को बताने लगेगी ना दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताने लगेगी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जो कि वास्तविकता में संभव नहीं है पॉसिबल ही नहीं है इसीलिए वो नहीं काटती है इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना पूछा है कई बार विद्युत फ्लक्स भी पूछता है विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से होकर के किसी सतह से होकर के कितनी रेखाएं गुजर रही होती है कितनी रेखा क्रॉस करती है निकल रही होती है उसी को बच्चों कहते हैं क्या उसी को हम लोग कहते हैं क्या विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स अगर हमारे पास एक एरिया है क्षेत्रफल है तो सपोज दैट वो क्षेत्रफल हमारा ये है और इस क्षेत्रफल से होकर के कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्रॉस कर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी निकल रही है वो यही बताता है फ्लक्स कब हम इसको निकालते हैं तो यहाँ की तीव्रता e और जो एरिया होता है इस सतह का इस सतह का क्षेत्रफल एरिया को अगर हम गुना कर देते हैं तो e डॉट a वाला में हम अगर चलते हैं e डॉट a गुना कर देते हैं तो कितना इसका फ्लक्स है वो निकल जाता है जिसे हम फाई से सूचित करते हैं फाई बराबर ई ए कौश हो जाता है ए डॉट बी वेक्टर वाला वेक्टर में आप पढ़े होंगे स्कैलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल चलिए ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा यह या एक होता है और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन प्रति कुलम मीटर स्क्वायर या बोल्ट प्रति मीटर भी होता है वोल्ट प्रति मीटर कैसे होगा बोल्ट मीटर प्रति मीटर नहीं केवल मीटर होगा हमारे ख्याल से क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए एक तो वोल्ट प्रति मीटर होता है और एक मीटर स्क्वायर एरिया का हो गया तो वोल्ट मीटर आएगा बच्चों केवल वोल्ट मीटर होगा ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन ही दिखाते चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे गॉस का थ्योरम तो आपको पता है गॉस का थ्योरम किसी भी बंद सतह से जितना भी आवेश होगा देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बंद तल से जैसे ये कोई बंद तल है है ना इससे गुजरने वाला जितना भी विद्युत फ्लक्स होगा इसमें कितना चार्ज है उसका यहाँ पर दिखा देना ये गॉस का नियम हो जाता है विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कितना जैसे ये हमारा बंद सतह हो गया जैसे समझ लो ये हमारा बंद सतह है अब इस बंद सतह में टोटल आवेश मान लो कि प्लस क्यू है तो टोटल आवेश क्यू और इसका वन बाई एपलेनो गुना अगर हम करते हैं तो हमारा फ्लक्स निकल जाता है बराबर क्यू बाई, यही का है है बच्चों हिंदी और एक सवाल पूछता मैं आपको यहां पर दिखा दिया हूं। या कभी कभी एक लाइन में तो वन लाइनर क्वेश्चन हो जाता है जिसमें ये पूछ देता है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशनशिप होता है यानी कि ई बराबर फॉर्मूला ध्यान रखना विभव प्रवणता वाला निकल जाता है माइनस टीबी बाई डी देखो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्या संबंध होता है तो E बराबर यूनिट निकालते, से, से निकालते हैं तो वोल्ट बटा में मीटर, यानि वोल्ट प्रति मीटर आ जाता है इस चीज को ध्यान रखिएगा सम विभवी तल एक ऐसा तल हो जा, पर समान हो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान विभव जहां पर होगा बच्चों परिभाषा छुपा हुआ है विद्युत क्षेत्र में सम एक ऐसा तल होता है जहां पर सभी बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होगा क्योंकि नाम ही है सम विभवी विभव भीभाव समान होगा कहां पर विद्युत क्षेत्र के अंदर है ना विभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है हमेशा तल के लंबवत होती है परपेंडिकुलर होती है इस चीज को ध्यान रखिएगा यानी आपके पास जो भी डिफिनेशन होगा आप जैसे भी पढ़े हो वैसे इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा है ना यहां पर यह बातें नहीं है इक्विपोटेंशियल प्लेन ये आपसे पूछा जा रहा है सरफेस आप कह सकते हैं यहां पर देख लीजिए द्विध्रुव होता है क्या होता है क्या होता? ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा विद्युत द्विध्रुव हालांकि मैं आपको थोड़ा सा बताते चलू कि विद्युत द्विध्रुव दो ध्रुव होता है बस विद्युत में ये दो चार होते हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत परिमाण समान होगा अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू अगर ये पांच कुलंब है तो ये भी पांच कुलम का होगा ये दस कुलम है तो ये भी दस कुलम का होगा लेकिन अंतर इतना है कि एक धन आवेश होगा तो एक ऋण आवेश यानी कि एक वाला, एक पॉजिटिव चार्ज चार्ज वाला वाला ये आपस में एक दूरी पर न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं मान लेते हैं कि दूरी पर रखे हुए हैं तो इस तरह के सिस्टम को इस तरह की व्यवस्था को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चों जब बराबर परिमाण के बराबर परिमाण मात्रा बराबर होनी चाहिए दो आवेश वो दो आवेशती है होना चाहिए सजातीय नहीं हमेशा उल्टा

किसी एक आवेश ले लो तथा उनके बीच की दूरी को अगर गुना कर देते हो तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल जाता है जिसे हम पी से सूचित करते हैं पी से सूचित करते हैं बच्चों ये पी से सूचित होता है चलिए चीजें समझ आ गई होगी या एक सदिश राशि होता है ध्यान रखना है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है सदिश राशि होता है इसका मात्रक कुलम मीटर होता है या फिर डेबाई कह सकते हैं अब क्वेश्चन और देख लीजिए ये डायपोल मोमेंट वगैरह वाला हो गया आप ले लीजिए विद्युत धारिता आप जरूर याद रखिएगा विद्युत धारिता बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको याद रखिएगा विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं ये कैपेसिटर चैप्टर के अंदर हो जाता है जिसको आप क्या कहते हो सी बराबर क्यू बाई भी सी बराबर क्यू बाई भी से आप निकाल लेते हैं इसको सी बराबर क्यू बाई भी से आप इसे निकाल लेते हैं आसानी से जी ध्यान रखेंगे सी बराबर क्यू बाई बी कुलम प्रति बोल्ट इसका आपका यूनिट आ जाएगा बस क्वेश्चन हमारा काम है देखा ना क्वेश्चन देख लो ये सब तो पढ़ाई हो गया है जय सर पढ़ा भी दिए हैं और आप भी अपने टीचर से पढ़ ही लिए होंगे किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं भाई चालक का उसको प्रभावित करेगा चालक के निकट कोई अन्य चालक है या नहीं वो इस बात पर भी डिपेंड करता है और किस माध्यम में वो रखा गया है इस पर भी वो डिपेंड करता है यानी कि किसी भी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है कौन कौन सा चालक का क्षेत्रफल चालक के निकट अन्य चालक है या नहीं इस बात पर चालक कितना बड़ा है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है या कम है इस बात पर भी धारिता उसकी निर्भर करती है धारिता तीन बातों पर जरूर निर्भर कर रही है कि भाई चालक बड़ा है या छोटा है क्षेत्रफल उसका कितना है इस बात पर चालक के उस चालक के निकट दूसरा चालक है या नहीं इस बात पर भी निर्भर, निर्भर कर रहा है किस माध्यम के साथ वो चालक रखा गया है इस बात पर भी वो डिपेंड कर रहा है इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर देख राइट द द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर ये वन शॉट क्लासेस जय सर कराए थे ना पिछले अभी संडे को या सैटरडे को उन्होंने वन शॉट क्लास रखा था एक क्लास में पूरी संधारित्र चैप्टर आपको पढ़ाए थे सर यहाँ पर देखिए एरिया पर डिपेंड करता है

जटिल तरह का अगर कई तरह के परिपथ एक तरह से कई तार आपस में जुड़ रही हो कई तार जब आपस में जुड़ रही होती है जैसे मान लो कि इधर से आया ऐसे एक तार यहाँ पर ऐसे करके एक होता है ना मैं सिंपली अगर बता दू कुछ इस तरीके का कि सारे तार इस पॉइंट पर आ रहे हैं आ रहा है कोई जा रहा है ऐसे करके तो वो सारी बातों में टोटल विद्युत धारा कितना होगा वो यहाँ पर किरचॉफ ने बताया था जैसे टोटल विद्युत धारा का सम जीरो हो जाता है यहाँ पर कहते हैं कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का जो भी बीज योगफल होगा शून्य अब यहाँ पर जितना भी विद्युत धारा आ रहा है टोटल विद्युत धारा का अगर हम मान निकालेंगे ना तो वो जीरो हो जाएगा ये पहला नियम था दूसरा नियम आप यहां पर देख सकते हैं कि दूसरा नियम ये कहता था कि उस परिपथ में बंद लूप लूप के लिए था ये बंद के लिए था बंद के लिए था क्लोज सर्किट के लिए था एक लूप लॉ उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं बच्चों लूप लॉ समझ आ रहा है बच्चे हाँ ठीक है यस yes. ये मतलब बहुत आसान होता है आप समझिएगा सर और समझाएंगे ज्यादा जो कि हम फिजिक्स के टीचर है नहीं आपके कहने पर ये वन शॉट हम ला दिए हैं और ऐसे भी सेशन आपको देंगे क्वेश्चन जिसमें है तो ये यहां पर बताया जा रहा है कि जब क्लोज सर्किट होगा तो भाई उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी विद्युत धारा और उसका प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत धारा मतलब आई और प्रतिरोध मतलब आर इसका गुणनफल का बीज योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है EMF टोटल ई जो हो गया अब इसके बारे में पढ़ाया जाएगा हालांकि जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है बिल्कुल याद रखिएगा और एक जबरदस्त बात ये याद रखना होता है बच्चों की यहाँ पर किरचॉफ ने दो नियम दिया था और ऑब्जेक्टिव सवाल ये पूछता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का किससे संबंध है ऐसा पूछ देता है द्वितीय नियम से किसका संबंध है तो भाई पहला नियम का आवेश संरक्षण से रिलेशन है और दूसरा का ऊर्जा संरक्षण से बाकी चीजें सर के क्लास में आप जरूर समझ लेना और उनसे डिस्कस कर लेना क्या है पहला नियम जो होता है ना ये पहला नियम पहला नियम मैं यहां पर लिख देता हूं ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंध रखता है आवेश संरक्षण और दूसरा हो जाता है बच्चों ऊर्जा संरक्षण से यह क्वेश्चन पूछा है कई बार तो ये मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ जाइएगा समझ जाइएगा ये क्या कि क्रचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण से संबंध रखता है और किचौफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है यानी कि यह आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है पहला नियम और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है ये क्रचॉर्स का नियम रहा ध्यान रखिएगा का 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 उपयोग उपयोग पूछा पूछा है है कई बार तो बच्चों पोटेंशियोमीटर यूज क्या होता है तो भाई दो सेल का ईएमएफ का तुलना करने में कंपेयर करने में किसी सेल का ईएमएफ कितना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल और ये विद्युत वाहक बल क्या होता है ये आने वाले सैटरडे को आपको पता चल जाएगा किसी सेल के अंदर का आंतरिक प्रतिरोध कितना है वो आप यहां से निकाल सकते हैं दो प्रतिरोधों को आप कंपेयर कर सकते हैं विभो मापी की सहायता से यानी कि पोटेंशियोमीटर की सहायता से इसका पीडीएफ एप्लीकेशन साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पर डाल दिया जाएगा वहां से आप सभी इसको कर लेंगे संट क्या होता है संट एक छोटा सा प्रतिरोध होता है बच्चों जो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा दिया जाता है अब जैसे गैल्वेनोमीटर क्या बताता है ए मीटर यह बताता है ए मीटर कि किसी परिपथ में कितनी धारा है वोल्ट मीटर यह बताता है कि भाई कितना विभव है गैल्वेनोमीटर यह बताता है कि परिपथ में धारा है कि नहीं कितना है ये ये बताया, लेकिन गैल्वेनोमीटर की सुई अगर विक्षेपित तो कि हाँ इसमें इस सर्किट के अंदर करंट है करंट है कि नहीं अगर मान लो कभी उच्च हाई वोल्टेज वाली अगर करंट आ जाती है ज्यादा मान वाला करंट आ गया तो वो तो खत्म हो गया तो भाई इसको सुरक्षित बचाने के लिए उसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध वाला तांबे का परिपथ या फिर तार वगैरह लगा देते हैं जो कि संट कहलाता है तो संट समांतर क्रम में लगा होता है गैल्वेनोमीटर का अब भाई ज्यादा विद्युत ज्यादा विद्युत धारा होगा तो पहले यही टूट जाएगा लेकिन वो समान हमारा बच जाएगा ठीक है ना तो ये एक छोटा सा प्रतिरोध का मान होता है इसका उपयोग पूछता है आपसे कि इसका दो उपयोग लिखे अगर क्वेश्चन बैंक उठा करके पूछोगे ना तो देखोगे तो ये सब आ जाएगा गैल्वेनोमीटर को उच्च धारा से क्षति होने से यह बचाता है अगर उच्च धारा आया तो वो तो टूट जाता है लेकिन खत्म हो जाता ना बर्बाद हो जाता है लेकिन अगर संट लगा दिए हो तो संट खुद को बर्बाद करने कर, नहीं उसको बर्बाद नहीं करेगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा ऐसा वादा करता है ये गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में अगर संट लगा देते हैं तो इसे एमीटर में भी बनाया जा सकता है ये चीजें है ठीक है फ्यूज फ्यूज तार तार क्या है बिल्कुल संट वाला काम यही करता है गलनांक किसका कम होता है प्रतिरोध कम होता है है ना प्रतिरोध कम है तो तुरंत ज्यादा धारा प्रवाहित तो होगा ये गर्म होकर के टूट जाएगा गलनांक भी कम होता है टूट जाएगा अगर उच्च विद्युत धारा हाई वोल्टेज की धारा अगर हमारे परिपथ में आती है

आई हो गया हमारा एम्पियर बटा में एरिया मीटर स्क्वायर यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर स्क्वायर प्रति मीटर इसका मात्रक होता है किसी चालक के प्रति क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा जाएगा आई प्रवाहित होगा उसको हम लोग कहते हैं धारा घनत्व यह एक सदिश राशि होता है मात्रक इसका ये होता है ये जरूर याद रखें आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर हम इसका डाल देंगे आपका क्या पूरा का पूरा पीडीएफ देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो कि बिल्कुल विद्युतीय क्षेत्र की तरह होता है एक विद्युत आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर यह अनुभव करता है बल को उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं अगर मैं चुंबक को रख देता हूं तो चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर वो चुंबकीय बल का अनुभव करेगा वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो चुंबक अनुभव करता है ना उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और उसकी प्रबलता भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं देख लीजिए ये इंग्लिश में हो गया और वो हिंदी में विद्युत तो लो लो। होंगी भी लेकिन हम आपको तीन से चार स्लॉट करके आपको देंगे जो बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भाई पढ़ाई तो करो और कंटिन्यूअसली वन शॉर्ट क्लासेज आपको फिजिक्स का मिलता रहेगा या फिर कंटिन्यूअस क्लास भी हो जाएगा टेंशन मत लेना आप लोग और ये चीजें मैं साइंस संग्रह ऑफिशियल एप्लीकेशन पर अपलोड कर देता हूँ ये पच्चीस क्वेश्चन आपको पहला स्लॉट में दिया गया इसके बाद फिर और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा अगला पार्ट उसका वो भी दे देंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी वीवीआई करा दिया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन पर ज्यादा ही ध्यान रखना और वो क्वेश्चन काफी आपको काम आने वाले होते हैं एग्जाम में ठीक है ना अब चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी नहीं होगा हिंदी तो खत्म है हिंदी का सिलेबस का आप ज्यादा ये मत लगाओ हिंदी का सिलेबस में काव्य खंड पढ़ाई हो चुका है जो है सारी चीजें आपको सारी चीजें पढ़ाने के बाद टेस्ट सीरीज आपको फोकस करना होगा आर्ट्स के बच्चों के लिए बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं उनके लिए सहारा कुछ जितना पॉसिबल है टेस्ट सीरीज और पीडीएफ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके लिए तैयार रहना सबको थैंक यू सो मच आज का क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करके बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा और कल हेलो हेलो और चैप्टर रात बजे आड़ बजे क्लास होगा आप सब कोई जरूर जुड़िएगा वन शॉट पूरा चैप्टर शुरू से अंत तक एक बार में कंप्लीट करवाया जाएगा उसी तरह से अल्कोहल फिनॉल इथर पूरा चैप्टर को वन शॉट या दो भाग में कर करके हम लोग पढ़ लेंगे ताकि आपको सबसे बड़ी दिक्कत वीडियो खोजने में होती है कि सर इसका अगला पार्ट कहाँ है इसका अगला पार्ट कहाँ है तो भाई एक ही वीडियो में पढ़ो भले दो अढ़ाई तीन घंटे का क्लास होगा तो अच्छे से उसको के सहारा उस सारी चीजें एक्सप्लेन रहेगा ठीक है ना तो घबराइएगा मत टेंशन मत लीजिएगा ये सारी चीजें आप लोगों के लिए है और हिंदी वगैरह का इंग्लिश का पूरा पोएट्री खत्म हिंदी का पूरा पोएट्री खत्म है बाकी रहा नोट्स का तो नोट्स आपको प्रोवाइड साइंस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर कर दिया जाएगा सारी चीजों का नोट्स तैयार है तैयार है एकदम तैयार है दे देना है कबल बाकी नोट्स कई प्रोवाइड भी किए जा चुके हैं ठीक है बच्चों थैंक यू सो मच आज का सेशन कैसा रहा जरूर आप लोग बताइएगा कमेंट करके वेट करेंगे आपके कमेंट का और ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिएगा बाय टेक केयर थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर